गर्दन में दर्द या नेक पेन क्यों होता है और क्या है इसका सबसे बेहतर ट्रीटमेंट? आज हम फ्रेंड्स इसी पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर शेख मोहम्मद खान, आई एम एन ऑर्थोपेडिक एंड आर्थोस्कोपिक सर्जन। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ऑर्थो स्पोर्ट्स फॉर ए पेन फ्री बॉडी एंड इंजरी फ्री स्पोर्ट्स। गर्दन में दर्द या नेक पेन आज के समय में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। आज हम फ्रेंड्स इसके प्रमुख कारणों और इसके सबसे बेहतर ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। गर्दन में दर्द या नेक पेन का सबसे प्रमुख कारण है ट्रोमा, मतलब आपकी गर्दन में किसी भी कारण से कोई चोट लगना। अगर आपकी गर्दन में दर्द किसी चोट लगने की वजह से स्टार्ट हुई है और यह एक्यूट ऑनसेट है, मतलब गर्दन में चोट लगने के साथ ही यह स्टार्ट होती है, तो यह गंभीर हो सकती है। इसके लिए आपको तुरंत अपने नज़दीकी ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। गर्दन में दर्द या नेक पेन का सबसे कॉमन कारण है मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से हमारी गर्दन की मांसपेशियों पर पड़ने वाला स्ट्रेस। मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम लोग लंबे समय तक झुककर, गर्दन को झुकाकर कंप्यूटर में काम करते हैं या लंबे समय तक मोबाइल में देखते हैं, जिसके वजह से हमारी गर्दन झुकी रहती है, या लंबे समय तक टीवी देखने, लेट कर टीवी देखने, किताबें पढ़ने, जिन गतिविधियों में हमारी गर्दन लंबे समय तक झुकी रहती है, इन सभी गतिविधियों में हमारी गर्दन की मांसपेशियों पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, उन पर स्ट्रेस आता है, जो कि नेक पेन का एक प्रमुख कारण है। गर्दन में दर्द या नेक पेन का तीसरा सबसे प्रमुख कारण है हमारी अपर बैक मसल्स का कमज़ोर होना, शोल्डर मसल्स का कमज़ोर होना, साथ ही झुककर काम करने की वजह से हमारे ड्रूपिंग शोल्डर होना, कंधों का झुका होना या पोस्चुरल डिफेक्ट्स, इन सभी की वजह से भी हमारी गर्दन में दर्द हो सकता है। कुछ केसेस में गर्दन में दर्द स्ट्रेस या एंग्जाइटी की वजह से भी देखा गया है। इन सभी कारणों से हमारी गर्दन की मांसपेशियों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, जिससे हमारी गर्दन की मांसपेशियाँ, नेक मसल्स में स्पाज्म आता है और हमारी गर्दन अकड़ जाती है। इस वजह से हमारी गर्दन के मूवमेंट्स पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं और गर्दन हमारी पूरी तरह से जाम हो जाती है। कुछ केसेस में यह मांसपेशियों पर पड़ने वाला स्ट्रेस हमारी गर्दन की हड्डियों, जिन्हें वर्टिब्राज कहते हैं, उन पर या उनके बीच में मौजूद डिस्क, जिसे सामान्य भाषा में मनके या गद्दी कहते हैं, उस पर भी ये जोर आ सकता है। ज़्यादा सीवियर केसेस में यह डिस्क प्रोलेप्स हो सकती है, जिसे डिस्क प्रोलेप्स या स्लिप डिस्क भी कहते हैं। अगर यह स्लिप डिस्क या डिस्क प्रोलेप्स आपकी गर्दन की नसों को दबाती है, तो इसमें आपके रेडिकुलर सिम्टम्स भी आ सकते हैं। रेडिकुलर सिम्टम्स में आपके कंधे और आपके हाथों में सूनापन, झंझनाहट, भारीपन, दर्द हो सकता है। क्या है गर्दन में दर्द या नेक पेन का सबसे बेहतर इलाज? सामान्य जीवन में होने वाले गर्दन के दर्द या नेक पेन का ट्रीटमेंट मोस्ट केसेस में कंजर्वेटिव होता है। गर्दन में दर्द होने पर आप गर्म पानी का सेक या हॉट फोमेंटेशन कर सकते हैं। इससे आपकी गर्दन की मांसपेशियां रिलैक्स होती है और आपको गर्दन के दर्द में आराम मिलता है। इसके साथ ही आप गर्दन की मांसपेशियों के लिए फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली है नेक मसल स्ट्रेचिंग। नेक मसल स्ट्रेचिंग करने से आपकी गर्दन की मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और आपको आराम मिलता है। लेकिन अगर आप सिर्फ नेक स्ट्रेचिंग करते हैं, तो यह गर्दन का दर्द आपको कुछ समय बाद दोबारा हो सकता है। इसके लिए आपको अपनी गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत करना चाहिए, जिसके लिए आपको आइसोमेट्रिक नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी होती है। गर्दन में दर्द से आराम के लिए तीसरी सबसे प्रमुख एक्सरसाइज है आपकी अपर बैक स्ट्रेंथनिंग, शोल्डर स्ट्रेंथनिंग और स्कैपुलर रिट्रैक्शन, स्कैपुलर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेज। इन एक्सरसाइज को करने से आपकी गर्दन में परमानेंट लंबे समय तक आराम रहता है। कुछ केसेज में अगर आपको इन सभी से आराम नहीं मिलता है, तो आपके डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिंस प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें मसल रिलैक्सेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है,
जिससे आपकी मांसपेशियां रिलैक्स होती है और आपको आराम मिलता है। अगर आपकी गर्दन का दर्द स्ट्रेस या एंग्जाइटी की वजह से है तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको योगा करना चाहिए और अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। गर्दन में दर्द या नेक पेन से बचाव के उपाय, जिसमें सबसे पहला है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करना चाहिए। जब कभी आपको लैपटॉप पर काम करना हो तो आप अपनी डेस्क की हाइट बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको गर्दन को झुकाकर काम ना करना पड़े। आप एक लेवल पर लैपटॉप को रख सकते हैं, जिससे आपको गर्दन को बिना झुकाएं आप काम कर पाएं। दूसरा, जब कभी आपको मोबाइल इस्तेमाल करना हो तो मोबाइल को इस तरह से नहीं, मोबाइल को आप इस तरह से ऊपर उठाकर काम में ले सकते हैं। जब कभी आपको टीवी देखना हो या कोई बुक्स पढ़नी हो तो आप लेट कर ना करें, जिससे कि आपकी गर्दन लंबे समय तक झुकी हुई ना रहे। इसके अलावा नेक मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रॉपर फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइजेस रेगुलर बेस पर करें। गर्दन में दर्द या नेक पेन में आराम के लिए की जाने वाली सबसे बेहतर एक्सरसाइजेस को देखने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हमें सीधा बैठना है, बैक को सीधा रखेंगे, वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। तो दोनों हाथों को पीछे लेके जाना है कमर के साइड में और पकड़ लेना है इस तरह से। ये हम इसलिए करेंगे ताकि आपका शोल्डर आगे की साइड रोल ना हो और पूरा मसल लेंथ मिले। सबसे पहले हम साइड टू साइड करेंगे। इसको हम 3-3 टाइम करेंगे बोथ साइड, फिर नेक को आगे पीछे, इसकी भी 3-5 रैप करेंगे एंड देन रोटेशन। पूरा रोटेट नहीं करना है, नेक को साइड बाय साइड रोटेट करेंगे। ओके, नाउ हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट स्ट्रेच। हमें राइट साइड का मसल स्ट्रेच करना है, इसके लिए हम हाथ से स्टूल को पकड़ लेंगे और सीधे बैठेंगे और अपने लेफ्ट साइड के कान को नीचे कंधे से लगाएंगे, लेफ्ट साइड के कंधे से लगाएंगे। इसमें हमें कंधे को ऊपर नहीं उठाना है और जहां स्ट्रेच आ जाए उसको 5-10 सेकंड तक होल्ड करेंगे एंड रिलैक्स। इसी तरह से दूसरे साइड भी करेंगे। इसके 5-10 सेकंड तक होल्ड करेंगे और आप 3-5 रेप कर सकते हैं एंड सेकंड चिन टक। इसमें हमें चिन को अपने थ्रोट से लगाना है, नेक को रोल नहीं करना है। सीधा बैठेंगे इसमें और उसके बाद ऊपर सीलिंग की तरफ देखना है। एंड नेक्स्ट स्ट्रेच में हमें अपने गर्दन को सीधे तरफ टेल्ड करना है और अपोजिट साइड सीलिंग की तरफ देखना है। जब ये स्ट्रेच आपके इजीली होने लगे देन इसके बाद आप इसको असिस्टेंस के साथ भी कर सकते हैं, थोड़ा पैसिवली कुछ भी दे सकते हैं, लाइक सीधे बैठ के टिल्ट है इसको आप अपने दूसरे हाथ से पुश कर सकते हैं।
ये स्ट्रेच सिर्फ नेक टाइट नेक मसल के लिए करना है और पोस्टरल पेन के लिए, और अगर आपका कोई मेडिकल कंडीशन है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही एक्सरसाइज करें।